हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे, देखिए क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं लोग, और जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल हो सकते हैं चैप्टर वन से लेकर चैप्टर 14 तक, वो आपको मैं करा रहा हूँ। और देखिए, सबसे पहला सवाल सबसे आसान लिया गया है और आप इसको सीखने की कोशिश करें। लिखा हुआ है कि दो बिंदु स्थिर आवेशों के बीच में लगने वाले बल का क्या करिए, निगमन करिए, या फिर इसी बात को कह सकता है कूलाम के नियम को बताइए और उसके सूत्र का निगमन करिए। तो दोनों ही चीज़ आपको समझना है। कूलाम ने किया क्या है कि आपने क्लास 11th में पढ़ा है वो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, द्रव्यमान वाला गुरुत्वाकर्षण का, जैसे दो द्रव्यमान M1 और M2 थे और उनके बीच की दूरी क्या थी r, तो लगने वाला जो बल था दोनों द्रव्यमानों के, दो द्रव्यमान M1 और M2 जिनके बीच की दूरी क्या हो r हो, तो लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल था दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था, ऐसे दिया हुआ था। तो ठीक यहाँ भी वैसे ही है, यहाँ दो को बिंदु स्थिर आवेश है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक Q1 इन्होंने लिया कूलाम ने और एक Q2, दो आवेश लिया, स्थिर होने चाहिए, बिंदुवत आवेश होने चाहिए, मतलब छोटे भी हों रुके भी हों, चालन नहीं होना चाहिए, रुका हुआ पढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ r बीच की दूरी, तो करेंगे क्या, पहला वाला देखिए M1 M2 था, तो वैसे यहाँ Q1 Q2 है, तो Q1 Q2 और ये F जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो ठीक इसी का उन्होंने उतार दिया। बस आवेश के संबंध में बताया है और न्यूटन ने बताया है द्रव्यमान के संबंध में, तो उन्होंने क्या बताया, दो द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उसी तरह से इसमें बताएंगे दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का मान, विद्युत का ये वैद्युत का ये वही मतलब है, विद्युत बल का जो मान होता है, विद्युत बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं, उल्टा व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, कूलाम का नियम, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाले विद्युत बल का जो मान होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं। ये हो जाएगा इसको एक नंबर इक्वेशन और इसको दो नंबर। अब इसका काम है नहीं, मैंने बताया केवल आपको, इसको मिटा दे रहे हैं। तो देखिए लोग, समीकरण एक और दो से क्या कर लेंगे लोग, समीकरण एक व दो से क्या करेंगे हम लोग, एफ एफ है तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और बटे में क्या चला जाएगा r2, ये नीचे और ये ऊपर, और यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटा के एक नियतांक लिखते हैं k, के को कहते हैं स्थिरांक या नियतांक, ये हो जाएगा के लिखिए, या इसी के जगह पे 1/4πε0 का इन्होंने यूज़ किया, एप्साइनल पढ़ते हैं इसको, और इसका मान बताया 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ऐसे बताया उन्होंने। और ये कहाँ से आया है आगे चल के आपको बताया जाएगा। तो के बराबर क्या होता है, 1/4πε0, या फिर इसका आंकिक मान होता है 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, इतना होता है। तो यहाँ रख देंगे F बराबर 1/4πε0 और Q1 Q2/r2, ऐसे लिखा रहा है, तो इसका मतलब समझना है कि आवेश जो है उसके बीच में कुछ नहीं है, निर्वात, और यही चीज़ यहाँ K लग जाएगा एप्साइनल के बगल में, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वहाँ माध्यम आ गया, मीडियम हो गया है, तो वो लिख देंगे। तो F बराबर क्या होगा, 1/4πε0 K Q1 Q2 और डिवाइड बाई r2, तो ये कहाँ होगा, ये माध्यम में होगा,
ये जो होता है परावैद्युतांक होता है। परावैद्युतांक एक ऐसी भौतिक राशि है जो दो आवेशों के बीच में लगने वाले विद्युत बल के मान को कम कर देती है, उसे ही क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। के से डिनोट करते हैं अलग अलग धातुओं के लिए के का मान जो होता है अलग अलग होता है, तो उसमें आगे चर्चा करेंगे और आगे आपको बताएंगे कि 1/4 pi में जो एप्सिलॉन नॉट आया है इस पर क्या क्या पूछ सकता है और क्या क्या आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नोट कर लीजिए इतना। और ये कूलाम का नियम था, कूलाम का नियम बोलेगा तो ये लिखना है, निगमन भी साथ में बोलेगा तो ये लिखना है, पहले ये और फिर निगमन लिख के ये लिखना है आपको, इतना हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में।